का मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन, का वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद, प्रजा का वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। करंट फ्री चाहिए, करंट फ्री चाहिए, करंट फ्री चाहिए, करंट फ्री चाहिए, धोबी घाट चाहिए, धोबी घाट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, डबल बेडरूम चाहिए, डबल बेडरूम चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, फ्री करंट चाहिए, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चेयरमैन पूरी करो, मुस्लिम चेयरमैन पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चेयरमैन की मांगे पूरी करो, हमारी मांगे करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, मुस्लिम चेयरमैन की मांगे करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मुस्लिम चेयरमैन की। इधर देखो, इधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मैं प्रजा का मुस्लिम वाशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, और मेरे साथ हमारे प्रजा का मुस्लिम वाशरमैन के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सभी मेंबर मेरे साथ हैं। मैं मेरे मसाइल के बारे में, हम सब के मसाइल के बारे में कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। हमारे सीएम साहब तक यह आवाज़ पहुंचाइए। हम लोग 2007 में कांग्रेस के दौर में इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराए थे। 2007 से लेकर आज तक हम लोग रिज़र्वेशन बोले तो रिज़र्वेशन की चक्कर में हम लोग फिर रहे हैं। हमारे कई लेटर्स सीएम साहब को दिए हैं हम, हमारे काम के लिए, और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर को दिए हैं, ये भी काम नहीं हुआ है, और स्त्रियों के लिए, करंट के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, माइनॉरिटी को दिए हैं, बीसी कॉरपोरेशन को दिए। बीसी कॉरपोरेशन वाले बोलते नहीं हैं, हमारे पास नहीं है तुम्हारा बजट, हमारे पास नहीं है, माइनॉरिटी को जाओ बोलते। माइनॉरिटी वाले बोलते नहीं,
धोबियों के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाओ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले बोलते माइनॉरिटी को जाओ, माइनॉरिटी वाले बोलते बीसी कॉरपोरेशन को जाओ। हम लोग तमाम 15 साल से मारे मार फिर रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा। मुस्लिम वाशरमैन बोलते ये लोग हमारा काम नहीं करते, क्या मुस्लिम होना गुनाह है? हम लोग दूसरे जो वाशरमैन हैं उनको तमाम फैसिलिटी मिल रही है, उनको 250 यूनिट करंट भी फ्री मिल रहा है और हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे इस लेटर को रद्दी की तरह बाजुक डाल दिया जा रहा है। हम मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं कि हम करंट के लिए, और हमारे बहुत सारे बच्चे धोबीघाट की कमी होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बेरोज़गार है, उनके लिए हमको गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है और गवर्नमेंट लोन होना है हमारे को, और धोबीघाट कम होने की वजह से हमको वॉशिंग मशीन होना है घरों पे, ताकि हम लोग घरों पे काम कर सके। वॉशिंग मशीन और इस्त्रियों की ज़रूरत है हमको। हम लोग ये भी लेटर डाल चुके हैं माइनॉरिटी में, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर। हमारा ये CM साहब से मुतालबा है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना हम लोग धरने पर उतर आएंगे, रोडों पर निकल कर हम लोग धरना देंगे, माइनॉरिटी पर जाकर हम एहतजाज करेंगे। हमारे इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, हमारा CM साहब से मुतालबा है, अदबन हमारा मुतालबा है कि हमारे जो जो भी मसाइल है, जो जो भी हमारी मांगे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना हम लोग रोडों पर निकल कर एहतजाज करने वाले हैं। इसके ज़िम्मेदार फिर हुकूमत होंगी, हम नहीं। हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे ये काम जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। हमारे वाइस चेयरमैन लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास भी गए थे, उनके पास भी अपनी एप्लीकेशन रखे, उन्होंने लेटर दिए, लेटर CM के नाम से लिखे उन्होंने लिख कर दिए, मगर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मौज़म खां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA बहादुरपुरा MLA जो हमारा हलका है, इसी धोबीघाट उन्हीं के हलके में आता है, बहादुरपुरा MLA मौज़म खान साहब के पास कंटिन्यू 3-4 साल से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको काम करने के बाद लंच करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी आया बारिश आई तो हमारे को कपड़े रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं है, लंच रूम, रेस्ट रूम वाशरूम के लिए हम लोग अप्लाई करे हैं, आज तक हमारा काम नहीं हुआ है। कंटिन्यू हम मौज़म खां साहब से लेटर लेते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं लेटर को, मगर आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ से ये पीछे दरगाह के पास से हमारा जो कदीम रास्ता था बहादुरपुरे का, उसको भी बंद कर दिया गया है, और इधर भी हमारा आगे भी रास्ता था, पीछे भी था, उसको बीच में हमको दबा दिया जा रहा है। उधर से दूसरे धोबी लोग आकर हमारा रास्ता पैक कर दिए, इधर से दूसरे दो भी लोग आकर पैक कर दिए, हमारी जगह को बहुत कम किया जा रहा है। लैंड आकर यहाँ पर बस स्टैंड पे स्पॉट देख के कब्जा करने की कोशिश करते, वो भी हम लोग कंप्लेंट देकर उसको भी रुकाए। इससे पहले आके वो लोग हम बैठे थे PS में कंप्लेंट दे के, वो भी काम को रोके हम। और हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स के कपड़े, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट स्कूल के कपड़े भी धोते हैं, लेकिन हमको मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी हमको भी चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमको भी हम भी तेलंगाना स्टेट के आवाम हैं, फैसिलिटी चाहिए और हर चीज़। निज़ाम ट्रस्ट, निज़ाम शाही दौर से हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये निज़ाम के पास भी हमारे बड़े लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग निज़ाम शहीद हो भी है, हम लोग कोई दूसरे स्टेटों से नहीं आए यहाँ पर, यहीं के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के हम लोग, और हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। दूसरे लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन मुस्लिम धोबी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है CM साहब से कि हमारे इस मांग को पूरा किया जाए, वरना हम लोग मजबूरन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग मिनिस्टर के पास, माइनॉरिटी ऑफिस पे, हर जगह पर जाकर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और ये हमारी वार्निंग है, हमारे काम को जल्द से जल्द किया जाए, वरना हम लोग एहतजाज करने वाले हैं। हमारे कम से कम तेलंगाना स्टेट में 15-20 हज़ार की आबादी है, पूरे लोग हम लोग रोड पर निकल कर एहतजाज करने वाले हैं, फिर इसकी ज़िम्मेदार आप खुद होंगी, गवर्नमेंट होंगी।